गुड इवनिंग प्रतीक्षा गुड इवनिंग नरसिंह पहाड़ जी गुड गुड इवनिंग विशाल वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है हमारी और आपकी और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एक बढ़िया से एक मैराथन के साथ में आपके सामने हैं और थोड़ी देर वेट कर लेते हैं थोड़ा सा आपके पास आने देते हैं लोगों को एक मिनट का मैक्सिमम वेट इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे सो so, मिनट खाली रुक जाइए उसके बाद जब तक बता दीजिए कौन कौन है कौन नहीं है नहीं गुड 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 इवनिंग 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 हाय ज्योति प्रतिभा अनिकेत कोमल वेरी वेरी टू टू ऑल ऑल ऑफ ऑफ यू सभी को जो जो भी होता है सब कुछ आपके लिए गुड इवनिंग प्रतीक्षा गुड इवनिंग शुभम शांतनु वर्णिका गुड इवनिंग किरण चलो तो इरिगेशन इंजीनियरिंग के सेशन के साथ आपके सामने यहां पर है और कुछ क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डब्ल्यू का एग्जाम आपका आने वाला ही है तो देखते हैं आपके पास में आप अपनी केवल तैयारी चेक करिए अगर लगता है आपके पास में कि कोई क्वेश्चन यहां पर रह गया है आपसे या नहीं बना है तो जल्दी से उठा के उस कॉन्सेप्ट को वहां पर सेशन के बाद रिवाइज करिए ये बढ़िया तरीका है आपके पास रिवीजन का तो गुड इवनिंग सयाली निखिल अपेक्षा किरण वर्णिका हर्षवर्धन अभिषेक ध्यानेश ध्यानेश वेरी गुड इवनिंग नाम में थोड़ा मोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है तो बुरा मत मानिएगा आप मेरे दोस्त हैं ठीक है थीके? तो बिल्कुल बुरा वाला मानने वाली बात नहीं है रिवीजन के लिए यहां पर आए नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है तो रिवीजन का मैंने बताया क्या कि क्वेश्चन आप देखिए उसका जवाब दीजिए नहीं बनता है तो कोई बात नहीं उस वाले क्वेश्चन को याद रखिए कॉन्सेप्ट को याद रखिए और बाद में जाके उसको रिवाइज करके वहां पर एग्जाम के लिए रेडी करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चन वहां पर उठाए हैं और चांसेस है वहां पर कि आपके पास यहां पर क्वेश्चन पूछे जाने के तो गुड इवनिंग अभिषेक ध्यानेश आदर्श स्वाति शुभम ओह थैंक यू मोस्ट सो मच सर जी वेरी वेरी गुड टीचर्स जब सब आप लोगों की वजह से उसके अलावा कुछ नहीं है पूरा क्रेडिट आपको है सब कुछ आपके लिए है उसके अलावा कुछ भी नहीं गुड इवनिंग आईडी सर डब्लू आर डी ची एग्जाम का uh, अनिकेत है बस छोटा सा रिक्वेस्ट है। मुझे मराठी उतना जाता मतलब आप बोलेंगे समझ में आता बट पढ़ते नहीं आता मुझे तो इसका थोड़ा सा इशू है थोड़ा सा अगर हिंदी या इंग्लिश में लिख देंगे तो मुझे चल जाएगा ठीक है तो बाकी क्वेश्चन uh, इंपॉर्टेंट है उसका दिक्कत नहीं आएगा आपको ठीक है तो स्टार्ट करें अरे स्टार्ट किया जाए स्टार्ट करें मेरे था लगा दे दो बोलिए

डब्ल्यू आर डी एग्जाम होने कारण इरीगेशन वॉटर वाले सब्जेक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है तो अभी चलो बताओ आपके पास यहां पर इसका आंसर क्या है यहां पर आपके पास में फरो इरिगेशन, फरो में हम फरो आपके पास एक्सकेवेट करते हैं यहाँ पर लैंड फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है यहां पर आपके पास आप तो नोजल आप लगा देते हो और नोजल से पानी आपके पास कुछ यहां पर इस तरीके से स्प्रे के फॉर्म में यहां पर अप्लाई होता है तो स्प्रे के फॉर्म के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास स्प्रिंकलर आंसर राइट हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का बिल्कुल राइट प्रियंका आरती करण निकेश रोहित प्राची कृष्णकांत नेक्स्ट एवेलेबल मॉइस्चर इन द सॉइल कैन बी कंप्यूटेड एड अब एवेलेबल मॉइस्चर का कॉन्सेप्ट है सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप से क्वेश्चन है तो जब तक आप इसका आंसर दीजिए तब तक मैं यहाँ पर आपके पास में यहाँ पे बता देता हूं कि यहाँ पर है, है, है कैसा कॉन्सेप्ट आप जब बात करते हैं वहां पर आप टाइम के हिसाब से यहां पर मॉइस्चर लेवल को यहां पर दिखाते हैं

परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट डिफ्रेंसिएट करती है अवेलेबल मॉस्टर को और नॉट अवेलेबल मॉस्टर को और आपके पास जो टोटल कंटेंट है वो आपके पास में होता है फील्ड के पक्षी हालांकि

तो यहां पर अवेलेबल में भी एक आता है ऊपर आपके पास में रीडली अवेलेबल मॉइस्चर और एक नीचे आता है नॉन रीडली अवेलेबल मॉइस्चर और इन दोनों के बीच में जो लाइन डिफरेंशिएट करती है उसको क्या बोला जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तो आप सभी का वापस से प्रशांत स्मितल शीतल रोहित मयूरी सयाली प्राची प्रणव रचना कृष्णकांत अभिजीत आरती रानी प्रतीक्षा आप सभी का आपके पास यहां पर राइट आंसर है जब सभी ने वहां पर ए जवाब दिया है नेक्स्ट देखो

फ्लड पर आपके पास कुछ भी नहीं है फ्लड का यहां पर जिक्र नहीं आता क्योंकि लिए था? चेक आपके पास यहां पर लिए था यहां पर जब हम ग्रेविटी के हिसाब से जो सॉरी जब कॉन्टूर के हिसाब से हमारे पास में रेजिस बना देते हैं ठीक है तो ये आपके पास में यहां पर क्या हो गया आपके पास आंसर क्या होगा सी अगेन आप सभी का राइट आंसर बिल्कुल राइट ओके 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 ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट चलो नेक्स्ट आपके पास में इरिगेशन आर जनरली अलाइंड अलोंग इरिगेशन कैनल को जनरली अलाइन किया जाता है कॉन्टूर कैनाल्स आपके पास कॉन्टूर लाइन वॉटर साइड लाइन वैली लाइन पैरल टू वैली लाइन तो देखो इरिगेशन कैनाल अगर हम यहां पर इस बेसिस पे बात करें एलिवेशन के बेसिस पे बात करें तो एक आपके पास होती है वहां पर रिज कैनाल

बारिश हुई पहाड़ से पानी गिरा आपके पास वो पानी आ रहा होगा उसी के पैरल में बनाई इसको साइड स्लोप बोलते हैं और जब कॉन्टूर के अकॉर्डिंग वहां वहां पर कैनल वहाँ पर कैनाल बनाई जाती है तो तो उसको बोलते हैं तो रिज कैनल में आप दोनों तरफ इरिगेट कर सकते हैं कॉन्टूर कैनाल में एक तरफ आपके पास हिली एरिया होगा मतलब अपसाइड होगा एक तरफ डाउस तो केवल डाउस इरिगेट कर पाएंगे और साइड स्लोप कैनाल तो वैली लैंड के पैरल होगा तो जो जनरल होता है वो दोनों तरफ इरिगेट करवाने के लिए प्लान करेंगे तो राइट right आंसर आपके पास रिज कैनाल होता है या फिर आप नाम क्या देते हैं वॉटर सेड वहां पर बोलते हैं बिल्कुल राइट आंसर आपके पास में करण सोनाली रूपेश रोहित नयन वर्णिका आदर्श हर्षवर्धन ठीक है आपके पास में स, समाधान मयूरी आ, पवन शरद uh, ओके okay. और जिन लोगों के मैं जवाब नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं उनका भी आंसर बिल्कुल राइट है आप लोगों ने आंसर बिल्कुल राइट दिया हुआ है यहां पर कितना है यहां पर आंसर भी है चलो आर सिस्टम इज आ सोर्स ऑफ वाटर ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है एनवायरमेंट और इरीगेशन का कॉमन टॉपिक सोर्स ऑफ वाटर और सोर्स ऑफ वाटर में अगर आप देखो तो आरटीसीएन स्प्रिंग का नाम भी आप सुने हो इसमें क्या होता था आपके पास में एक लेयर थी एक इंपरवियस अगर धोखे से एक एक बता देते आराम से यहां पर आपका आंसर ऑलमोस्ट आप तो राइट दे दिए राइट क्या बता दिए अ a... कौन सा बता दिए यहां पर आंसर बीबी बोल रहे हैं गड़बड़ किए है ना अरे नहीं 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 अब देखो इसमें हो गया गड़बड़ देखो आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं आराम से देखो जब कुछ ठीक है कुछ क्वेश्चन के गलत आंसर देते दे सकते हैं आप दे देंगे तभी तो कुछ नया जानेंगे आपके पास एक लेयर है, वो ये रही एक लेयर आपके बीच में एक होता था और ये आपके पास इस, और इस के बीच में है, तो इसमें प्रेशर होता था और जब यहां पर एक क्रैक जनरेट होता था तो पानी एकदम से निकल के वहां पर कुछ इस तरीके से बाहर जाता था और नाम बोला जाता था आर्टिसियन स्प्रिंग तो आरटीसीएन हमने तब नाम दिया था जब दो लेयर के बीच में कंफाइंड है तो आखिरकार आरटीसीएन सिस्टम है ये और कुछ नहीं ये कंफाइंड का एग्जाम्पल आपके पास में होगा ठीक है समझे अनकन्फाइंड नहीं होगा अनकन्फाइंड में आपके पास में यहां पर देखो तीन टाइप का यहां पर आरटीसीएन आपको यहां से ही समझ में आता है आरटीसीएन स्प्रिंग होता है

समझ में आती है चीजें समझे ना ओके okay. शुभम ध्यानेश रोहित शरद अनिकेत पवन हर्षवर्धन आईडीजी डी ऋषभ हर्षवर्धन रचना मयूरी समझे कि नहीं समझे इतनी कुल मिला के यहां पर भाते हैं ठीक है चलो आगे चले नेक्स्ट इफ द मॉइस्चर टेंशन फॉर इज एट एटमोस्फियर देन दॉल इज एट इसको बताओ जवाब इसको बताओ इसको बताओ तो समझे थोड़ा सा तैयारी आपके पास है मस्त बिंदास लेवल पर है इसका जल्दी बताओ ओके कृष्णकांत मॉइस्चर टेंशन आपका एट एटमॉस्फेरिक पर है ओके ओके कंफ्यूजन था ना अक्षय अभी ठीक है ओके ध्यानेश ओके किरण मयूरी कृष्णकांत शुभम इसका बताओ अरे इसका बताओ जल्दी से आंसर बोलो फटाक से जवाब दो इफ द मोइर टेंशन ऑफ दटमोस्फेयर पानी कुंडला के तुम तो तो सीधा सा मतलब इतना समझो कि पानी आपके पास में यहां पर जो जुड़ा हुआ है उससे पानी जो आपके पास पार्टिकल से पानी जुड़ा है वो इतने एटमोस्फेरिक प्रेशर पर है तो आप अगर आपको याद हो तो जब आपके पास में सॉइल प्लांट वाटर देखो यहां भी कंफ्यूजन हो गया सी डी बी ए सब जवाब दे दिए सुनो सुन लो आपके पास यहां पर आपके पास अवेलेबल वाटर अवेलेबल वाटर नॉट अवेलेबल वाटर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आपके पास में परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आपके पास में इसके बियॉन्ड नॉट अवेलेबल पानी जो है वो इसलिए है नॉट अवेलेबल वाटर इसलिए है क्योंकि यहां पर प्लांट के पास इतना एनर्जी नहीं है कि वो पार्टिकल से पानी को खींच सके तो बोले सर इतना कितना एनर्जी चाहिए तो हम वहां पर पढ़ते हैं इस हाइग्रोस्कोपिक पानी को निकालने के लिए आठ एटमोस्फेयरिक से लेकर बत्तीस एटमोसफेरिक तक का वहां पर प्रेशर रिक्वायर्ड होता है तो भाई वो वहां पर वो सेना की तैयारी तो वहां युद्ध की तैयारी थोड़ी ना कर रहा है वो तो प्लांट का रूट जोन है नॉर्मल एनर्जी जितना होगा कर लेगा तो यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा पूछा उसने ये नहीं बोला कि कि प्लांट को एनर्जी एनर्जी कितनी चाहिए उसने बताया कि उसका प्रेशर कितना है तो अल्टीमेटली जितना परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इंडिकेट करेगा सी विल बी द राइट आंसर सेवन टू ट्वेंटी उदित राज कहीं कहीं पर छब्बीस लिखा मिलेगा

इसका जवाब दो अब तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें बहुत बढ़िया ट्रिक बता के मतलब क्वेश्चन लॉसिस तो दिया है आपके पास में ट्वेंटी परसेंट और डेप्थ ऑफ वाटरिंग दिया है सिक्सटीन सेंटीमीटर फील्ड पे जो पानी चाहिए तुमको वो तुमको सिक्सटीन सेंटीमीटर चाहिए ठीक है फील्ड पे पानी कितना चाहिए सिक्सटीन सेंटीमीटर आपके पास यहां पर इरिगेशन एफिशिएंसी कितना दिया 80 परसेंट एट्टी परसेंट कहने का मतलब 100 लीटर पानी भेजोगे तो 80 लीटर मिलेगा उसको दूसरा कन्वेयंस लॉसेस है 20 परसेंट तो कन्वेयंस एफिशिएंसी कितनी हो गई कन्वेयंस एफिशिएंसी हो गई 80 परसेंट कितनी परसेंट 80 परसेंट तो 80 परसेंट ये एफिशियंसी एट्टी ये मतलब सौ अगर तुमने पानी अप्लाई किया तो पहले अस्सी पहुंचेगा फिर उसका भी 80 का 80 परसेंट आपके पास में कितना 8, 8 आपके पास 64 के आसपास वहां पर पहुंचेगा तो हमको यहां पर सिंपल सा ट्रिक होता है बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है फील्ड में चाहिए 16 तो कितना बढ़ा के भेजे कि आपके पास वहां पर क्या मिले आपको वहां पर फील्ड में सोलह मिल जाए तो दो बार अस्सी अस्सी का वहां पर आपको एफिशंसी करवाना है तो सिंपल सा फंडा यह है कि जितना चाहिए उसको लिखो जितना चाहिए है उसको लिखो उसके अलावा जितनी एफिशिएंसी क्वेश्चन में दी है सबसे डिवाइड कर देना दो मिनट में आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट इन इंटू जीरो पॉइंट एट आप इसको हटाइए जीरो आया इसको हटाइए जीरो आया यहां से कैंसिल आउट किया ये हो गया टू हंड्रेड और इसके इसको यहां से किया आपके पास में तो आपके पास चले जाओ यहां से यहां से बन जाए जा जा आपके पास में दो गया चार बचा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर अरे नॉन टेक्निकल का कुल मिला के क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल वाले बच्चे को बोलोगे ना कि आपके पास सॉल्व कर दो मिनट में सॉल्व कर देगा बस इतना बता देना कि एफिशिएंसी यहां पर ऐसे ऐसे रिलेट करती है तो करना कुछ नहीं है पच्चीस आपके पास छोड़ोगे वहां से तो 25 का 80 परसेंट कितना 20 आएगा और फिर 20 आपके पास जाएगा तो कन्वेंस लॉस होंगे 20 परसेंट। तो का 20 20 तो 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 का हो गया गया तो 4 बचा कितना 16 और फील्ड पर कितना चाहिए था 16 तो राइट आंसर कितना होगा 25 हिंदी इंग्लिश मिक्स चलता है समझ में आपको आता होगा ठीक है ना चलो ओके 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 देखो गड़बड़ किए ना इसीलिए जरूरी है ये रिविजन पार्ट है क्या अगर आंसर गलत हुआ तो समझना अगर आंसर सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है गलत हुआ और अच्छी बात है कम से कम याद रहेगा कि हाँ गलत हुआ था क्वेश्चन पूछेगा दोबारा भूलेगा नहीं ठीक है ना चलो तो राइट आंसर क्या हो गया डी ओके 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 ओके, ओके अक्षय उदयराज निखिल रानी उदयराज नम्रता विशाल रुतुजा हर्षवर्धन शुभम साक्षी ओके ओके, ओके करण ओके 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 चलो और आगे देखें इसका जवाब दो फटाक से सोडियम एब्जॉर्न रेशियोज डिफाइंड एस बताओ नॉर्मल सब फॉर्मूला पूछा है इसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है फॉर्मूले का यूज भी पूछ सकता है जो पूछेगा वो बता देना अभी बताओ क्या करना है आपके पास सोडियम एब्जॉर्ब रेशियो इज डिफाइंड बताओ जवाब बताओ इसका जवाब बताओ ओके अक्षय ओके रिशा ओके मयूरी ओके okay, राजू अनिकेत इसका जवाब बोलो आपके पास ये लिखा है अगर याद हो तो ऊपर होता था सोडियम एक सिंगल आयन वाला और नीचे मल्टीवल इंडिकेट आयन वाले होते थे अगर नॉर्मल ट्रिक से याद किया है तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कैल्सियम आयन का कंसंट्रेशन प्लस मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टू कर दोगे तो मिलेगा सोडियम एब्जॉर्ब रेशियो एस ए आर का वैल्यू यहां पर अब यहां पर तुमको बिल्कुल राइट आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है बट आपके पास यहां पर यूज जब देगा अब एक बात याद रखना

ठीक है इतना समझदार तो तुम हो ही तो आपके पास यहां पर मिलीग्राम पर लीटर डिवाइड वे वेट करोगे तो मिली पर लीटर आपके पास होगा तो हो सकता है कभी डायरेक्टली इस कंसंट्रेशन में आंसर ना दे आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं वो देगा इसमें और बचा इक्विवेलेंट वेट सर ये क्या होता है केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा अरे नहीं गिने चुने आपके पास एलिमेंट उनके रट डालना काम कुछ नहीं लगेगा आपके पास सोडियम आपके पास यहाँ पर सोडियम का इक्विवेलेंट वेट आपके पास 23 कैल्सियम का आपके पास इक्विवेलेंट वेट आपके पास यहाँ पे 20 मैग्नीशियम का आपके पास कितना 12 ये होता है इक्विवेलेंट वेट कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो जो भी पूछे बता देना सर आपको सुनकर कौन है या कुमार की याद आती तुम्हारा पेपर निकलना चाहिए था तुमको कुछ भी याद आ जाए समझे समझे कि नहीं समझे दोस्त आपके जो पसंद आएगा वो सुना देंगे ठीक है तो आपके पास ध्यानशयराज ध्यानेश विशाल निखिल रोहित मोनिका दर्श दशरथ शरद ओके ऋतुजा ओके निकेत ओके प्रतीक्षा मोनिका करण ओके ठीक है तो आपके पास यहां पर कहां पहुंचे सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की बात कर ली और आगे चलो अच्छा इसका वैल्यू वगैरह याद है इसका वैल्यू आपके पास में आर का वैल्यू जीरो ग्रेटर तो देन ट्वेंटी सिक्स आपके पास यहाँ पर इतनी बातें हैं लो सोडियम सोडियम वाटर वाटर मीडियम आपके पास हाई सोडियम वाटर वेरी हाई सोडियम वाटर ये रिलेशन अभी आपके पास सिलंटी वाला किसी एग्जाम में पूछ लिया था महारा के एग्जाम में से मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा था ठीक है ओके अभिषेक और देखो आगे चलो इसका बताओ बताओ से इसका जवाब ड्यूटी बोल ड्यूटी डेल्टा इसके बिना इरिगेशन अधूरा है क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जाते हैं डेल्टा ड्यूटी में रिलेशन बोला है आपके पास डेल्टा पूछा है सेंटीमीटर में यूनिट दिया है दो फॉर्मूले होते हैं एट पॉइंट बाई डी ये फॉर्मूला होता, होता है आपके पास में सेंटीमीटर में हमको किस में चाहिए सेंटीमीटर में लगा कौन सा देंगे नीचे वाला और जितनी देर में समझाया है उतनी देर में आपका क्या हो जाएगा उतनी देर में आपके पास यहाँ पर आंसर आपका जवाब दे दीजिएगा जब तक 864, बी कितना है 120 डेज डी कितना है 864, कैंसिल आउट कर दें कितने सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर कोई भी कर देगा वहां पर और ठीक है कोई भी क्या कर देगा पढ़ेंगे तो आपके बस कर देंगे और क्या ठीक है ओके okay, भानव जी नंबर वगैरह आप कॉल करके पूछ लीजिए वो बता देंगे टेलीकॉलिंग वाले वो दे देंगे अब ऐसे यहां कहां से दे दें ओके okay, ओके okay, रुपेश रुपेश ओके okay, कोमल निखिल आपके बस वा, वासव निखिल करण उदयराज दशरथ स्मिता स्मित रानी कांता अनिकेत उदयराज शुभम अला वेंकटेश राव ओके okay, करण विजय ओके 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 बहुत बढ़िया ओके 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 आ गया ठीक है ठीक है ओके okay, मयूरी ओके okay, नरसिंह ओके रूपाली और ओके आगे चलो इसका बताओ फॉर अ स्टैंडिंग क्रॉप यूज़ ऑफ़ वाटर इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ़ वाटर बताओ आपके पास ये लगा दिया हमने यहां पर प्लांट क्या लगा दिया आपके पास यहां पर प्लांट यहां पर लगा दिया प्लांट ये है आपके पास में रूट जोन अब ये बताओ कि यहां पर इसका कंजप्टिव यूज ऑफ वॉटर इज इक्वल टू इवापोरेटेड बाई क्रॉप ट्रांसप्रेटेड बाई क्रॉपो ट्रांसप्रेशन बाई द क्रॉप एवापो ट्रांसपरेशन बाई द क्रॉप एंड क्वानिटी भूल गया यहाँ पर कि यहाँ पे एवापो ट्रांसपरेशन का मतलब होता है एवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन एवापोरेशन फ्रॉम द एडजस्टेंट सॉइल और ट्रांसपरेशन फ्रॉम द आपके ट्रांसपरेशन फ्रॉम द रूट जोन या प्लांट जो यूज करता है अरे डी आंसर नहीं है भाई डी 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 से बताए पड़े हैं सोच समझ के जवाब दीजिए वहां पर क्या लिखा है देखो द क्रॉप मतलब यहां पर पर ऑलरेडी वहां इंक्लूड किया है और बाद में क्वांटिटी ऑफ वाटर एवॉपरेटेड बाई द एडजस्टेंट सॉइल गलत हो गया इसके साथ अगर उसको लिखना था तो वो लिखता है आपके पास यहाँ पर ट्रांसपरेशन ऑफ द सॉइल प्लस द क्वांटिटी ऑफ वाटर क्वापरेटेड बाई द एडजस्टेंट सॉइल तो ये नहीं है क्वेश्चन में कंफ्यूजन यही है समझे आपके पास राइट आंसर समझे कि नहीं समझे ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा सी होगा डी नहीं होगा दोस्तों यही गलती होता है अभी देखिए यहाँ जवाब तो यही गलती यही गलती पेपर में नहीं करना आराम से पढ़ना है उसको एवापो ट्रांसपुरेशन लिखा है एवापो ट्रांसपोरेशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो चीज फिर एक्स्ट्रा हम वहां पर क्यों लिखेंगे ठीक है तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा सी होगा देखो दो से तीन क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिए अब आगे नहीं करना ठीक है और देखो कोर वॉटर इज द कोर वॉटरिंग कोर वॉटर बोल रहा है आपके पास यहां पर तुम क्या किए यहां पर बीच को सो कर दिए आपके पास यहां पर बीच को तुम बोए इसके बाद यहां पर जब ये फ्यू सेंटीमीटर हाई होता है तब सबसे ज्यादा पानी इसको तब होता है। और जब इसको यहाँ पर पानी रिक्वायर्ड होता है पानी देंगे फर्स्ट इज सोन उतना नहीं जमा फर्स्ट वाटर आफ्टर अ क्रॉप इज ग्रोन दैट इज द राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर क्या रहा, आपके पास हो गया ओके okay, गलती से मिस्टेक कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है ठीक है सार तक ओके रानी ओके हाँ ठीक है आप राइट थे कोई दिक्कत वाली बात नहीं ओके शिवम प्राची प्रार नयन ना, सुजाता ईश्वर किरण देव ज्योति प्रतीक्षा ओके 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 ईश्वर शीतल ओके ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर एनर्जी मेंटेन रखो बढ़िया तरीके से मजा आ जाए कृष्णकांत करण ओके शुभम सुबह लिख दिया बिल्कुल सी 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 चार पांच क्वेश्चन का घट्ट आंसर दे दिए लगता है ओके दशरथ वर्या ओके ओके चले आएंगे तो फिर चलो सभी का आंसर राइट है बहुत बढ़िया इसका आंसर दबा द ऑफ क्वांटिटी ऑफ वॉटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इन द फील्ड

दिए 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 बहुत बढ़िया और तेजी से तेजी से आंसर दो थोड़ा थो सा और गलत कर दो जितना गलत हो सकता है सब आज ही कर देना सही ना जवाब दे देना आदेश ज्यादा गलत कर दिए फिर से अरे गड़बड़ है, है माहौल बहुत ज्यादा ए बी सी नहीं आंसर है आंसर यहाँ पर डी राइट right है बोलता है क्वांटिटी अब देखो कन्वेन्स एफिशिएंसी आपके पास स्टोर्ड इन द रूट जोन पहुंच गया था पहले सुनो वॉल्यूम डिलीवर टू द फील्ड बाई वॉल्यूम डाइवर्टेड फ्रॉम द कैनल कन्वीनियंस एफिशियंसी एप्लीकेशन वॉल्यूम आपके पास में डिलीवर्ड टू द एक सेकेंड रुको क्या बोला है वॉल्यूम स्टोर्ड इन द रूट जोन

कन्फ्यूजन होता है दो मिनट में क्लियर करते हैं देखो बी आंसर राइट है इसका आ, इसका कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं दो मिनट में आपके पास यहां पर सुनो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बना के खत्म करेंगे इसको आज ही देखो ये फील्ड है ये कैनल है और ये आपका डैम है जहां से पानी आ रहा है यहां पे बोला यहां से निकला वीसी यहां पहुंचा वीआई फील्ड पे पहुंचा वीआई तो वीआई डिवाइडेड बाय वीसी कहलाता है एफिशियं ऑफ वॉटर कन्वेस यहां से निकला वी आई इसके रूट जोन में पहुंचा वॉल्यूम इन रूट जोन तो वॉल्यूम स्टोर डिवर्ड टू द फील्ड ये होता है एप्लीकेशन कि ऊपर कौन कौन से लॉस हुए तीसरा चाहिए कितना था तो ज्यादा चाहिए रहा होगा रिक्वायर्ड इन रूट जोन पहुंचा कितना रूट जोन के बराबर सो वॉल्यूम स्टोर इन रूट जोन डिवाइड बाई वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन रूट जोन कहलाता है एफिसियंसी ऑफ वॉटर स्टोरेज नेक्स्ट आपके पास कितना आपके पास यहां पर वो आपने डिलीवर किया

स्टोरेज आपके बस यहां पर यूज़ भाई आपके 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 अप्लाइड ये क्या हो गया आपके बस में यहाँ पर आपके बस यूज और लास्ट वाला डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, ना तो, भी तो बराबर किए ठीक है, है? चलो ओके अनिकेत ओके सार्थक ओके स्वाति मयूरी तुषार ओके, ओके, ओके। हो जाता है कभी कभी बात बात में गड़बड़ ठीक है चलो आपके पास ओके करण ओके नेक्स्ट इफ द क्रॉप राइजेस अबाउट टेन सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वॉटर इंटरवल ऑफ अबाउट टेन डेज क्रॉप पीरियड ऑफ द राइस इज जीरो डेज डेल्टा फॉर द क्रॉप बताओ फटाक्सिस का जवाब बताओ फटाक्स का जवाब पंद्रह सेकेंड आपको दिए सॉल्व करने के लिए बोलो 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 ओके ओके करण ओके ओके रूपेश बोलो, बोलो, okay, 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 बोलो फटाक से अरे फटाक से बोलो भाई फटाक से बोलो नंबर नहीं दे सकते हैं ऐसे ओपन सेशन में भानो जी नंबर नहीं दे सकते हैं इन्फिनिटी का नंबर है टेलीकॉलिंग का नंबर है कस्टमर केयर का नंबर है आप उनको कॉल करिए वहां से उनको प्रॉब्लम बता दीजिएगा ऐसा ऐसा समस्या है चल सर का नंबर चाहिए मिल जाएगा नंबर में प्रॉब्लम नहीं है बट ओपन सेशन में नहीं दे सकते हैं ठीक है चलो ओके आंसर वहां पर देखो बताओ ओके दीपाली आ, एक तो ये नाम बहुत गड़बड़ लिखा हुआ है वाई डी ए अब कैसे प्रोनाउंस किए कहा समझ में नहीं आता ठीक है ओके रानी ओके निखिल बानाव जी ओके बोलिए 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 ओके रुतुजा डी डी जवाब दे दिए ओके नहीं सॉरी और वाली बात नहीं है बस समझा दिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ओके करण अच्छा हटो <laughs> ओके ठीक है ये लो करण तुम अलग नहीं मानते हो इधर देखो हाँ आर डी बता रहे हैं डी 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 चलो हो तुम्हारे बोलता है वो क्वेश्चन बना दिए इसको एक सौ दस दिन का आपके पास क्रॉप पीरियड है दस दस दिन में पानी देना है तो, तो टोटल कितनी बार पानी देना है ग्यारह बार पानी देना है और पानी कितना देना है वे 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 आपके पास वाटरिंग कितनी है एक बार में 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर 11 बार करोगे तो कितना आ जाएगा अरे 110 सेंटीमीटर ये नाम का न्यूमेरिकल है था थ्योरिटिकल क्वेश्चन दो मिनट में सॉल्व करके दे देते हैं ठीक है ना ओके 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 राइट आंसर है डी बिल्कुल राइट आंसर है आगे चलो ओके ओके करण आदर्श पवन सत्यजीत सरस रूपेश शुभम विजय विजय ओके ओके आरती निखिल ओके 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 चलो नेक्स्ट बोलो इफ द पोरोसिटी ऑफ़ एन पोरोल जीरो पॉइंट एट जीरो स्पेसिफिक रिटेंशन जीरो पॉइंट थ्री देन द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रिटेंशन टू स्पेसिफिक फटाक से जवाब दे दो इसका बोलो फटाक से जवाब दो

और आगे चलो इफ द अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ फड़ाक फड़ाक से जवाब देना बढ़िया 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 बिल्कुल राइट ओके डिस्चार्ज ऑफ द इक्वल्स दू सेवेंटी क्यूब पर सेकेंड विथ इट्स सिल्ट फैक्टर लेसी थ्योरी के हिसाब से वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू बोलो फटाक से क्यू एफ स्क्त अपॉन वन फोर्टी पावर वन बाई सिक्स रिसेंट जितने भी स्टेट के एग्जाम हो रहे हैं क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं लेसी थ्योरी से सो क्यू क्यू कितना है 70 F कितना है आपके पास अंडरूड टू का स्क्वायर डिवाइड बाई वन फोर्टी टू दी पावर वन बाई सिक्स थोड़ा सा लॉजिक लगाना वो ज्यादा तुमसे वहां पर आपको वहां पर करवाई की नहीं कुछ ऐसी बहुत बढ़िया आपके पास में यहां पर जवाब समझे कि नहीं समझे हर बार हम ऑप्शन के सामने खड़े हो जाते हैं माफी चाहेंगे यार इस बार से देखो नहीं खड़े होंगे द सिल्ट फैक्टर इन लेसी थ्योरी सिल्क फैक्टर का फॉर्मूला 1.76 एम आर एम आर दिखाया है तो दिखाया होगा आपके पास सिल्ट का साइज या सिल्ट का रेडियस वगैरह तो आपके पास 1.76 पॉइंट सेवन सिक्स अंडर विल बी द राइट आंसर आपके पास यहां पे डी आंसर राइट होगा लेसी थ्योरी में द रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप सिल्ट फैक्टर एंड डिस्चार्ज आपके पास स्लोप का फॉर्मुला एस इज इक्वल टू एफ टू बी बाई थ्री इंटू थ्री पावर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इन इक्वेशन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन आर थ्री ठीक है ना तो बढ़िया तरीके से काम कर इरिगेशन चैनल क्या क्या करवाएगा मे स्टॉप लीकेज वाटर अब बिल्कुल राइट बोल दिए भाई

थोड़ा ज्यादा छोटा अच्छा हो गया क्या अच्छा ठीक है ठीक है दिख रहा होगा राइट सी नहीं है राइट आंसर गड़बड़ की ना आते देखो दो तीन लोग सी बात गलत नहीं करना है आपके पास में स्टॉप लीकेज ओके है बट वॉटर लॉगिंग आपके पास क्रिएट करने को बोल रहे नहीं प्रिवेंट होता तो राइट right आंसर हो जाता इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना जब भी ऑल ऑफ लिखा हो या बोथ ए एंड बी इस तरह का लिखा हो नेक्स्ट एन अट्रैक्टिंग अट्रैक्टिंग भाई grion की टाइप है डिफ्लेक्टिंग सेडिमेंटिंग हॉकी टाइप बहुत सारे ग्रियॉन थे आपके पास में जब यहां पर फ्लो आपके पास इस तरह हो रहा है और ग्रोन आपके पास डाउन के एंड साइड में प्रोवाइड करवाते हैं तब इसको वहां पर बोलते हैं अट्रैक्टिंग ग्रियॉन तो क्या लिखा है परपेंडिकुलर टू द बैंक गलत

केनल इंडेक्स वहां पर कैनल इंडेक्स आपके पास एक आया था वो था एफ फ्लेक्सिबिलिटी था एस सेंसिटिविटी था फ्लेक्सिबिलिटी रिजिड मॉड्यूल रिजिड मतलब कड़क एकदम सख्त मॉड्यूल है अपने पास में और अगर सख्त मॉड्यूल है तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी जीरो और फ्लेक्सिबिलिटी जीरो तो सेंसिटिविटी जीरो तो आपके पास आंसर क्या होगा इक्वल टू जीरो मॉड्यूल वाले पार्ट से क्वेश्चन है आपके पास बहुत प्यारी प्यारी चीजें है वहां पर कैनल रेगुलेशन वर्क में आपके पास टॉपिक आता है ठीक है फॉन्ड साइज बढ़ाए अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इस बार बस कर लीजिए अब क्या बताएं फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे तो देखो ये अब अगली बार से बढ़ाते चलते चलो ठीक है परेशान ना होना चलो देखो बढ़ा देंगे बढ़ा देंगे बिल्कुल कोई बात कोई बात नहीं आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहां पर एन इरिगेशन कैनल देखो ये थोड़ा सा रह गया अगली बार से करवाते हैं तुमको बराबर प्रॉपर ठीक है ये दिख रहा है और ये दिख रहा होगा एन इरिगेशन कैनल फॉलो फ्लोइंग अंडर प्रेशर बिलो अ ड्रेनेज चैनल स्पेसिफिकली नोन एस स्पेसिफिकली नोन एज तो एक इरिगेशन कैनाल है एक आपके पास ये क्या है ड्रेन है नेचुरल रिवर वगैरह नीचे से क्या बह रहा है आपके पास में कैनल अंडर प्रेशर कहने का मतलब यहां पर साइफनिंग एक्शन हो रहा है और कैनल का साइफन होता है तो कहलाता है आपके पास क्या कैनल साइफन अगर ये प्रेशर में ना बह रहा होता तो कहलाता सुपर पैसेज आपके पास एक ड्रेन नीचे होता तो कहलाता आपके पास एक्विडक्ट और साइफनिंग एक्शन होता तो बन जाता साइफन एक्विडक्ट और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास में वहां पर राइट है वो कौन सा है साइफन अपने पास राइट आंसर है सो डी विल बी द राइट आंसर होगा आपके पास यहां पर ठीक है अब एडजस्ट करो थोड़ा मुड़ा भाई अब यहां पे बैकग्राउंड बैकग्राउंड चेंज करें ये सब कहा कर पाएंगे इतनी जल्दी ठीक है आंसर ओके राइट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है या तो क्वेश्चन यहां से देगा या तो वहां पर क्वेश्चन आपके पास वॉटर लेवल बना के दे देगा नेक्स्ट क्वेश्चन अक्रॉस ड्रेनेज वर्क इज टर्म एज कैनल साइफन केनल साइफन अभी पिछले भी यही पूछा था इस बार भी यही पूछा क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैनल साइफन कब कहलाएगा जब बिलो द ड्रेनेज हो कैनल ये तो राइट right है बट कैनल फुल सप्लाई लेवल इज मोर देन द द बेड लेवल ऑफ ड्रेन तब में भाई बिल्कुल राइट है आपके पास यहां पर अगर आप देखोगे तो ये बना दिया ड्रेन ये बना दिया कैनल कैनल का आपके पास यहां पर फुल सप्लाई लेवल केनल का फुल सप्लाई लेवल जो होगा वो ड्रेनेज के बॉटम से ऊपर होगा तभी कैनल साइफन वहां पर कहलाएगा द ड्रेनेज एंड ड्रेनेज हाई फ्लड लेवल देखो जब कैनल आप दूसरे भी समझ लेते हैं

चलो चलो ठीक है ठीक है अब मयूरी प्लीज इस बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए अगली बार और बड़ा फॉन्ट बना के निकालेंगे ओके ऐश्वर्या रूपेश शुभम मयूरी आंसर ऑलमोस्ट लोगों के राइट है कुछ लोगों ने डी जवाब दे दिया है तो वो थोड़ा देखिएगा नेक्स्ट है। फ्लो थ्रू एन अर्थ डैम अरे जियोटेक का क्वेश्चन पूछ लिया सारा कुछ यही पूछ लेगा तुमको हालांकि जियोटेक का नहीं है आपके पास सोर्स ऑफ वाटर यहाँ का भी पार्ट है अर्ध डैम के अर्धन डैम में अनकन्फाइंड फ्लो होता है आपके पास वहां पर कन्फाइंड फ्लो आपके पास ये है जब दो इम्परवियर के बीच में से पानी हो अर्दन डैम में आपके पास में ये अर्दन डैम है अर्दन डैम के केस में आपके पास वॉटर से फ्रैटिक लाइन कहलाता था टॉप फ्लो लाइन याद आता हो कॉन्सेप्ट तो तो ये आपके पास इसके ऊपर कोई भी ऐसा इंपरवियस ऐसा स्ट्रेटा नहीं है बट अगर ये ग्रेविटी डैम होता तो उसके नीचे से जब फ्लो होता तो वो कन्फाइंड फ्लो कहलाता तो अर्धन डैम में कौन सा हो जाएगा अनकनफाइंड फ्लो यहां पर हो जाएगा ऑल ऑफ दूव राइट ना लगा देना ठीक है चलो एक आवर में पूरा इरिगेशन होगा क्या अब कोशिश करेंगे करण यार कोशिश कर लेंगे पूरा का पूरा जितना हो जाएगा टॉपिक तो पूरे उठाए हैं और देखो अ ग्रेविटी डैम में फेल ड्यू टू ओवर टर्निंग ओवर स्ट्रेटिंग स्लाइडिंग ऑल एफ दो तो आपके पास ओवर टर्निंग तो आप पढ़ते हैं

ऑल ऑफ दर्दन डैम्स आर अर्दन डैम आपके पास कैसे होते हैं रिजिट डैम नॉन रिजिट डैम रेनफोर्स विथ स्टील देखो आपके पास डाइवर्जन डैम वीयर आपको बता देते हैं वीअर और बैराज ओवरफ्लो डैम ग्रेविटी डैम

अपलिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये वाला आंसर जो है, ये राइट है क्योंकि इसी बेसिस पर ये लेंस वेटेड थ्योरी से अलग होता है लेंस ने वेटेज प्रोवाइड करवा दिया था लेंस जी बोल के गए कि हॉर्जेंटल जो उतनी इफेक्टिव नहीं है भाई साहब उसको केवल 1/3 का वहां पर फैक्टर दे दो तो आपके पास वहां पर वो लेंस में वेटेड कितना था वन बाई थ्री का फैक्टर वहां पर दिया था प्रोवाइडिंग कट ऑफ ऑफ एट द द एंड फ्लोर टू प्रिवेंट एक्चुअल में ये ये नहीं है यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है अगर सभी में देखा जाए तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सी मिलेगा बट बी में ए के बारे में भी इन्होंने फोर्स नहीं किया था आपके पास ब्लिक्स नहीं थे खोसला जी थे जो चिल्ला चिल्ला के बोले थे वहां पे कि एंड स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम एंड पर जाके एक सीट पर प्रोवाइड करवा देना नहीं तो आपके पास वहां पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला है एच बाई डी एच बाई डी इंटू वन अपन पाई अंडर यहां पर डी आपके पास जीरो, जीरो गड़बड़ हो जाएगा तो हालांकि पहला वाला स्टेटमेंट ज्यादातर वहां कहां पर है वहां पर है बट इन्होंने भी मना नहीं किया था इन्होंने ये मना नहीं किया बट ये वाला जो आपके पास क्राइटेरिया ये ज्यादा परफेक्ट बैठता है कि हॉर्जेंटल और आपके पास वर्टिकल क्रीप के बीच इन्होंने जिससे आपके पास डिफरेंस नहीं बताया था सो राइट आंसर विल बी सी हियर

यस एक्विफ्यूज ग्रेनाइट बिल्कुल राइट आंसर करन तो आपके पास यहां पर ये सेफ्टी वाल का, का काम करता है क्यों, क्यों? क्योंकि आपके पास ओवरफ्लो के पानी को नहीं तो बोलते नहीं है अरे बारिश चल रहा है अभी आजकल के टाइम पे तो इसके इसके डैम डैम गेट गेट खोल गेट खोल दिए दिए तो पानी कहां से जा रहा है ओवरफ्लोइंग स्पेल वे से जा रहा होगा नहीं तो आपके पास अगर स्टोर कर लिया जरूरत से ज्यादा पानी तो डैम टूट जाएगा आफत मच जाएगी पूरी की पूरी तो हमारा ही तो सेफ्टी है इसलिए तो सेफ्टी वॉल बोला है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सूटेड फॉर द अर्दन डैम अर्दन डैम में क्या अलाउड नहीं ओवरफ्लो अलाउड नहीं क्योंकि ओवरफ्लो में तो पूरा डैम ही तबाह हो जाएगा तो आपके पास ऑगी कहानियां आपके पास यहां, कहानिया यहां पर थी और यह था आपके पास में आपके पास किसका इरिगेशन की इंजीनियरिंग का पार्ट और एक आपके पास में कुछ चीजें अनाउंसमेंट एक पंद्रह आपके पास में यहां पर पूरा पंद्रह सौ अति संभाव्य प्रश्नों का आपके पास यहां पर संग्रह है तो डब्ल्यू आर डी पी डब्ल्यू एग्जाम के लिए बुक है प्रीवियस ईयर वगैरह क्वेश्चन है आपके पास इन सभी एग्जाम के लिए वहां पर यूजफुल है आपके पास इसके अलावा भी यहाँ पर इन्फिनटी पब्लिकेशन का बहुत सारा बुक है इन चीजों को वहां पर देखिएगा सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बुक बैठा है पूरा कन्फाइंड मटेरियल है इंपॉर्टेंट नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले गए हैं इसके अलावा सिक्स एमसीक्यू का भी यहाँ पर एक बुक है इसके अलावा आपके पास में टोटल ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर चल रही है फोर्टी सब्जेक्टिव टेस्ट है फाइव फुल सिलेबस टेस्ट है डब्ल्यू आर डी जी एग्जाम के लिए है इस समय तो टोटल सुबह शाम टेस्ट दीजिए सुबह उठिए टेस्ट दीजिए दोपहर को एनालिसिस करिए शाम को सो के उठ वापस टैक्स दीजिए शाम को एनालिसिस करिए कुछ इस तरीके से वहां पर स्टडी का वहां पर बनाइए इसके अलावा आपके पास में इन्फिनिटी एकेडमी का ऐप है उसको देखिए इसके अलावा आपके पास में यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए बैच वहां पर 16 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है इसके अलावा चार सेंटर अपने पुणे नासिक नागपुर सोलापुर बहुत जल्दी दिल्ली में भी तो यहाँ पर अपने पास पहुंचने वाले हैं और पहुंच गए भी हैं और ये रहा आपके पास में अंतिम मैसेज जो आपके पास कौन सा ये कौन सा थैंक यू का और थैंक यू आप सभी के लिए बट

बढ़िया सारे एक अच्छे खासे वेटेज वाले सब्जेक्ट को लेके जाएंगे ओके करण ओके 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 ज्योति थैंक यू ओके और बताइए और कुछ। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट बढ़िया तरीके से एक सेकंड भी बर्बाद मत जाने दो बढ़िया तरीके से तैयारी करो सर इतना फास्टली एक आवर की क्लास आपने 45 मिनट्स में खत्म की है आ, बट फास्ट भी जरूरी है रिवीजन है ना तो चलता है ना शुभम ठीक है कितने क्वेश्चन आएंगे रियशन में इतना नहीं पता इतना बिल्कुल एग्जैक्ट पता होगा तो कॉपी राइट होगा तो पेपर न पकड़ा देंगे तुमको ठीक है शुभम सर कल कौन सा सब्जेक्ट है अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में ग्रुप में न्यूमेरिकल्स अच्छे थे ओके ए, बात ही अलग है वारे न्यारे है आपके क्या कह सकते हैं ठीक है और हम तो कह रहे हैं पंद्रह मिनट नहीं हम तो कह रहे तुम पांच मिनट में कर लो हमें तो अच्छा है तुमसे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए हमें और क्या करना है ठीक है चलो चलो ओके कितने क्वेश्चन आ सकते हैं वेटेज वेटेज रहेगा टू का weightage तो ऑलमोस्ट वहां पर होना चाहिए ठीक है सब्जेक्ट अगला कौन सा पता चल जाएगा अनिकेत बोलते हैं यहां पर क्वेश्चन की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपके पास होगा प्रियंका बहुत फास्ट हुआ आंसर तो आप लोग दे रहे थे अब क्या बताएं चलो अगली बार वाला थोड़ा स्लो ले लेंगे और कुछ इसके अलावा सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट बढ़िया तरीके से करिए जल्दी फिर मुलाकात करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के बाद अरे एग्जाम होगी कि नहीं अब करण खतरे में तुम डाल रहे हो पंद्रह मिनट में तुम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें का ही टेंशन तुम्हारा एग्जाम तो कल हो या चार महीने बाद हो तुम्हें तो दो मिनट में हो जाना है काम समझे कि नहीं समझे मजाक कर रहे हैं लोड ना लेना इतना भी फास्ट नहीं सर ठीक है प्रियंका अगली बार धीमे लेंगे थोड़ा और धीमे लेंगे ठीक है चलो और क्वेश्चन बढ़ा देंगे पक्का ओके ओके मोइन जी ओके रूपेश ओके प्रतीक्षा जी हार्ड अलग होगा ओके okay, दीपक एग्जाम कौन लेगा टीसीएस नहीं बता पाएंगे ये नहीं पता हमको बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन पूछ दिए आप चलो ठीक है ओके 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 चलो सो so, ओके okay, अनिकेत ओके शुभम ओके करते हैं स्पीड स्लो करते हैं भाई करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं अगली बार स्लो कर लेंगे ठीक है चलो डब्लू एग्जाम कब है विशाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है चलिए ठीक है थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ठीक है चलो ओके